बहुत सारे लड़के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो अपनी कमज़ोरी को लेकर बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग डाइट लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, पर उनकी कमज़ोरी दूर नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं कि हम अपनी कमज़ोरी को किस तरीके से दूर करें। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी की कमज़ोरी दूर कर लोगे, दुबला पतला मन है आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आपने ये टिप्स को फॉलो कर लिया। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ डाइट की चीज़ें बताऊँगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी कमज़ोरी दूर कर लोगे, अपने वेट गेन कर लोगे और दुबला पतलापन खत्म हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट से वीडियो पर लाइक जरूर जरूर कर दीजिए। तो चलिए अपने टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जितने भी लोग कमज़ोर हैं, जितने भी लोग दुबले पतले हैं, वो अपने आप को चेक करें कि मैं कोई गलत हैबिट्स में इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, क्या मैं स्मोकिंग तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल वगैरह तो नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई तंबाकू वगैरह तो नहीं खा रहा हूँ, या फिर मैं मास्टरबेशन वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं उसमें तो आप इन्वॉल्व नहीं हो। बहुत सारे अक्सर लोग जो होते हैं, यूथ जो है, वो इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व है आज की डेट में, जिससे वो अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं, उनका शरीर बिल्कुल नाश होता जा रहा है, बर्बाद होते जा रहे हैं वो। तो आप चेक करें कि आप इन सब चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, गलत हैबिट्स आपके अंदर हैं, मास्टरबेशन वगैरह करते हो, पोर्न एडिक्शन है आपको, तो आपको इन सब चीज़ों को कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे इसको क्विट भी करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों से निजात पा लोगे तो आप पॉजिटिव रहने लगोगे, तो अपने गोल्स पर काम कर सकते हो और अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, फिटनेस अच्छी होगी, आप पॉजिटिव रहोगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें कि आप किसी गलत हैबिट में तो नहीं हो। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, आपको अपनी डाइट के अंदर ऐसे फूड ऐड करना है जो आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करें, मतलब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा डालें, ताकत डालें। वैसे तो सभी फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, पर कुछ फूड्स कमज़ोरी के लिए होते हैं जो कि आपकी कमज़ोरी को दूर करते हैं, जैसे कि अपनी डाइट के अंदर बनाना, केले ऐड करें, अपनी डाइट के अंदर डेट्स, खजूर ऐड करें, अपनी डाइट में ओट मील, ओट्स ऐड करें। इन सब चीज़ों के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आपको धीरे धीरे एनर्जी देंगे, आपके शरीर के अंदर ताकत देंगे, ऊर्जा देंगे और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कराएंगे। साथ ही साथ हनी, शहद अपनी डाइट के अंदर ऐड करें जो कि आपको क्विक एनर्जी देगा, ताकत देगा, ऊर्जा देगा। और बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स को भी कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो और सीड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो, उससे भी आपको भरपूर ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अगर आप बादाम लेते हैं, काजू लेते हैं, वॉलनट्स लेते हैं, तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको गुड फैट मिलता है, हेल्दी फैट मिलता है और साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन क्वालिटी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे आप चिया सीड्स लेते हो, फ्लैक्स सीड लेते हो, सनफ्लावर सीड लेते हो या फिर और दूसरे सीड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो, तो उसमें भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी पाया जाता है, गुड फैट उसके अंदर होता है। तो अपनी डाइट के अंदर वो चीज़ ज़रूर शामिल करें जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप अपनी कमज़ोरी को भी दूर कर पाओगे। नंबर थ्री पॉइंट, आप चेक करें कि आपकी ज़िंदगी कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आप नींद तो प्रॉपर ले पा रहे हैं, मतलब 7 से 8 घंटे तक सो पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिस भी लोगों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, वो हमेशा कमज़ोर रहते हैं, अंदर ही अंदर उनकी सेहत बर्बाद हो रही होती है, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है। तो आपको कोशिश करना है कि स्ट्रेस को मैनेज करना है, मतलब उसको कम से कम लेना है। कोशिश करें कि जितना भी स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश करें, जैसे कि आप आउटडोर में गेम्स खेल सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रोज़ डेली एक्सरसाइज एंड वर्कआउट कर सकते हैं, हेल्दी फूड ले सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ रह सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें। तो इस तरीके से अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप 7 से 8 घंटे तक प्रॉपर स्लीप लें। अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी नहीं हो पाएगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है और आपको 7 से 8 घंटे तक नींद देनी है, जिससे आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी हो और आप एक हेल्दी बन पाए। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि आप अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर लिए हैं, डाइट भी ले ली है, वर्कआउट भी ले लिया है और आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी सालों से है, तब आप मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं किसी डॉक्टर की गाइडेंस से, बिना डॉक्टर की गाइडेंस से भी चेकअप ना करवाएं, डॉक्टर की गाइडेंस में चेकअप करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर खून की कमी होती है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम होती है, किसी का टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाएं कि मुझे इतने सालों से ये दिक्कत चल रही है। तो अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर आप चेकअप करवा सकते हैं
तो आप डॉक्टर की सलाह से चेकअप करवाएं, तो भी वो टेस्ट आपको सलाह करते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे डॉक्टर लीवर के लिए बताएंगे आपके, या फिर आपकी खून की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, या आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, या फिर और भी कोई जो टेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिससे हमारी बॉडी कमज़ोर हो रही है, तो वो टेस्ट आपको अगर रिकमेंड करते हैं तब आप उन टेस्ट की जरा जा सकते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है वर्कआउट ना करना। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हम फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं दोनों की बॉडी में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं तो पहले से ही कमज़ोर हूँ, मैं तो पहले से ही स्किनी हूँ, तो मैं किस तरीके से वर्कआउट करूँ। अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, तब भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर मसल मास इंक्रीज़ होगा, आपकी बॉडी बनने लग जाएगी, आपका हेल्दी तरीके से वेट गेन होने लग जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 5 से 6 दिन जिम के अंदर जाके अच्छा वर्कआउट करें, 40 से 45 मिनट 1 घंटे तक वर्कआउट करें, और किसी ट्रेनर की गाइडेंस में वर्कआउट करें, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपकी हेल्थ और फिटनेस अच्छी करने में, आपकी बॉडी बनाने में। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपका माइंड नेगेटिव बन जाएगा, और जब माइंड नेगेटिव बन जाएगा तो आपकी हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आपको कोशिश करना है कि ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, और जो कभी भी नेगेटिव इंसान नहीं है, उनके साथ में आपको रहना है। बहुत सारे लोग आपकी मजाक बनाते होंगे, आपके बारे में बुरा भला बोलते होंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं, उससे हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ता है हमारा, और हमारे दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है जो आपको मोटिवेट करते हैं। जो इंसान आपको मोटिवेट करेगा तो आप अपने गोल पर अच्छी तरीके से फोकस कर पाओगे और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ पाओगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।